हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ये सारे अभी इरेशनल हैं, हमें इसे रैशनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो देखिए, जब सिंगल नंबर हो तो आपको क्या करना है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे था √7, तो हमने √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 × √7 √7, √7 × √7 √7 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया √7/7। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 1/√7 − √6। जब दो टर्म हो और उनके बीच कोई साइन हो तो इस केस में हम लोग इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट मींस टर्म सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे √7 + √6 हो जाएगा। इससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 1 × this तो ये हो जाएगा √7 + √6। अब देखिए, ये अगर मैं इसे a एज्यूम करूं, इसे b एज्यूम करूं, तो ये a − b × a + b के फॉर्म में है, और a − b × a + b होता है a² − b², मींस ये हो जाएगा √7² − √6² ठीक है, √7 + √6 ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 7 माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 − 6। तो 7 − 6 = 1 होता है, तो ये सिर्फ क्या बच गया, √7 + √6। थर्ड पार्ट है 1/√5 + √2 ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो √5 − √2। कंजुगेट मतलब क्या, टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, तो √5 − √2। तो 1 × this सेम ही रह जाएगा √5 − √2। इसको मैंने a एज्यूम किया, इसे b एज्यूम किया, तो a + b × a − b के फॉर्म में है, तो a + b × a − b √a² − b² होता है, तो √5² − √2². तो देखिए √5 − √2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचा 5, सेम यहाँ पे बचेगा 2, तो √5 − √2 5 − 2 3, ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट है 1/√7 − 2। इस केस में हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कंजुगेट क्या होगा इसका, √7 + 2। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × this सेम ही रह जाएगा √7 + 2। अगर मैं इसे a एज्यूम करूं, इसे b एज्यूम करूं, तो a − b × a + b a² − b², तो √7² − 2² √7 + 2 तो √² और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा सिर्फ 7, 2² = 4, तो √7 + 2 7 − 4 = 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। जैसा कि हम जानते हैं पाई इक्वल्स टू होता है c/d, c है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, d है डायमीटर ऑफ सर्किल, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो अगर मैंने पाई को हम यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब पाई को रैशनल होना चाहिए, जबकि पाई होता है इरेशनल। तो क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो विरोधाभास आ रहा है, इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, अब समझिए। मैंने एक सर्किल लिया है जिसकी रेडियस r है, तो पाई इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन डायमीटर, ये हुआ सर्कमफ्रेंस और ये हुआ डायमीटर। इसको किसी स्केल से मेजर करेंगे हम, सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर को भी। तो जब किसी स्केल से आप किसी लाइन या कर्व को मेजर करेंगे, तो जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो अप्रॉक्स वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी, तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये p/q के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जिस डेसिमल एक्सपेंशन का, जिस
फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एग्जाम में आप क्या लिख के आएंगे वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन थ्री का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एक्चुअली पाई इक्वल टू सी अपॉन डी इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि 22/7 होता है। अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलेगा, और जिस फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो इरेशनल है। तो पाई इरेशनल है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।